हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं कि मैंने किस बेसिस पे 34 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं ऑप्शन बाइंग में। और ऑप्शन बाइंग में के लिए मैं निफ्टी का इंडेक्स, बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट जो है वो फॉलो करता हूँ, और मेरा जो टाइम फ्रेम रहता है वो है 5 मिनट्स का। तो चलिए एनालिसिस देखते हैं कि किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया और कहाँ और किस टाइम पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो जैसे कि सामने आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, और ये आज का सेशन है, ये जो बना है ये आज का सेशन है। काफ़ी वोलेटाइल था। अगर हम देखें, पहले मार्केट गैप अप ओपनिंग होते हैं तो सीधा नीचे आ जाता है, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। तो ये काफ़ी वोलेटाइल डे था आज का। यहाँ पर मैंने ट्रेड कब लिया, तो ट्रेड मैंने लिया था अराउंड, अगर आप देखें तो 1 बजे के पास देखा था। तो मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे सही एंट्री मिले। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस एरिया में जब यहाँ पे ये एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और ये एक अच्छा बॉक्स कंसोलिडेशन हुआ, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि यहाँ के से जब ब्रेकआउट आएगा फिर उसके बाद कुछ रीटेस्ट होगा तब मैं ट्रेड लूँगा, ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था सेलर्स का, जैसे कि आप देख रहे हैं कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बनी हुई थी और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया भी था, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे 2 रेड कैंडल्स बन गई थी। तो मैंने ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि विक भी बन रही थी काफ़ी। फिर यहाँ पे जब एक बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन लग रहा था कि अब मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक रीटेस्ट का ही वेट कर रहा था। कोई भी एक रेड कैंडल बने और इसके आसपास, ब्रेकआउट एरिया के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 बजे की कैंडल यहाँ पे रेड बनी, और उसके बाद डायरेक्टली ही एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके ऊपर क्लोज भी हो गई। तो यहाँ पे मुझे एक कंफर्मेशन मिल गया था कि अब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो यहीं पे मैंने नेक्स्ट कैंडल पे ही मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाय कर लिया था, और मेरा ऑप्शन मोस्टली मैं इन द मनी ही लेता हूँ। तो मेरा ऑप्शन था 44,200 का, तो मेरा इन द मनी ही ऑप्शन रहता है। मैं ऐट द मनी भी नहीं, इन द मनी लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 44,200 का मैंने ऑप्शन लिया हुआ था, और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा कि मेरा क्या एंट्री प्राइस था और क्या एग्जिट प्राइस था। तो यहाँ पे जब अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ट्रेडिंग में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर आप देखें कि इस लेवल पे ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे काफ़ी वीक बनती जा रही थी, तो यहाँ पे डाउट भी हो रहा था कि अब यहाँ से मार्केट शायद नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और एक बड़ी रेड कैंडल भी देखने को मिली थी हमें। तो यहाँ पे जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनती है 1:30 की, तो यहाँ पे और थोड़ा सा कन्फर्मेशन हो गया था, और जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो मुझे ये श्योर था कि फिर उसके बाद एक अच्छा मूव आ सकता है, कम से कम ये प्रीवियस स्विंग तक। तो यहाँ पे फिर 2 कैंडल फिर स्लो मूवमेंट ही रहा, और ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़ नहीं रहे। और जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शन बाय में फास्ट प्रीमियम पे ही प्रॉफिट बनाया जाता है, और स्लो मूवमेंट में प्रॉफिट नहीं बनाया जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री की थी 1:05 को, और मैंने एग्जिट इस कैंडल पे किया था एटली 1:50। तो ऑलमोस्ट अराउंड 45 to 50 मिनट्स के अराउंड मैंने वेट किया, मैंने अपने स्टॉप लॉस पे मैं रहा, और अपना टारगेट पे भी मैं टिका हुआ था। तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से फिर 2 कैंडल अच्छी बनी, और यहाँ पे मैंने जो है वो पोजीशन एग्जिट कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे स्विंग के पास ऑलरेडी पहुँच चुका था, और मुझे डाउट था कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे भी आ सकता है, और मेरा एक अच्छा 34 पॉइंट्स भी मुझे जो है वो मिल चुके थे, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं होता है, 20 पॉइंट के अंदर ही मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, उससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मुझे मिल गया था। उसके बाद अगर आप देखें, ये सिंगल कैंडल ही बहुत बड़ा गेन दिखाया था, बट उससे पहले मैं ऑलरेडी निकल चुका था, तो इट्स ओके। अब हमें रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमने इतना बड़ा जो है वो प्रॉफिट मिस कर दिया, दैट इज़ फाइन। अगर हम यही सोचते रहेंगे तो हम मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल वे पे पेशेंस भी यहाँ पे दिखा मुझे, साइकोलॉजिकल वे पे भी दिखा कि हम अगर साइकोलॉजिकल वे पे हम अपने इमोशनल कंट्रोल नहीं करें तो हम जल्दी एग्जिट कर देते हैं छोटे से प्रॉफिट के बाद। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए आपको काम आएगी,
वो ये है कि आपको पॉइंट्स के बारे में सोचना चाहिए, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कितना प्रॉफिट आ रहा है या कितना लॉस आ रहा है, आपको ये देखना चाहिए कि मैं पॉइंट्स कितने ले पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक छोटा सा 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेके ही एग्जिट कर रहे हो, चाहे आपकी क्वांटिटी भी बड़ी है, तो उसमें इतना बेनिफिट शायद लॉन्ग रन में नहीं मिल पाए, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत आ जाता है। लेकिन आप स्टार्टिंग से ही कम लॉट में अगर बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना सीख जाते हो, तो उसकी आदत बना लेते हो, फिर आपको ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में इतनी दिक्कत शायद नहीं आएगी, क्योंकि आपको आप ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके होगे कि मुझे इतना स्टॉप लॉस है और इतना पॉइंट्स मुझे कलेक्ट करना है। तो ज़्यादा हम पॉइंट्स में अगर कोई आप प्रॉफिट्स बना रहा है ज़्यादा बड़े पॉइंट्स लेके, तो उसको साइकोलॉजिकल लेवल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरीके से मैंने आज एनालिसिस किया था एक ये ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पे मैंने ट्रेड किया, क्योंकि ये ब्रेकआउट पे मुझे इतना बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि अब बहुत बड़े कैंडल्स बने थे रेड। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ट्रेड किया और मेरा ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास मेरा जो था टारगेट वो हो गया आज अचीव। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कोई भी पैटर्न समझने के लिए, देखने के लिए आपको चार्ट्स को जो है वो बार बार रीड करना होगा। डेली आपको कम से कम 40 to 50 चार्ट्स जब आप देखेंगे, तब आपको जाके वो चार्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको नेक्स्ट टाइम से वो इजीली दिखने शुरू हो जाएंगे। बट जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लो, जितने मर्जी कोर्सेज कर लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है मिलने वाला। मार्केट इससे उससे बेटर है कि आप मार्केट से ही सीखो, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लेके मार्केट आपको खुद ही सिखा देगा। एक लॉट में काम करना शुरू करो और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस अगर आपको मिल रहे हैं स्टार्टिंग में 1 to 2 months, तो आपका आपका कैपिटल भी इतना ज़्यादा नहीं जाएगा 1 लॉट में, और उस बेसिस पे आपको काफ़ी सारी 2 महीने में आपको बहुत सारी लर्निंग मिल जाएगी और आपको आपका एक खुद का भी सेटअप ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। तो जो कि हम बोलते हैं कि मार्केट में एज जो चाहिए होता है, वो आपको 2 या 3 महीने में, अगर आप रेगुलर ट्रेड कर रहे हो विद स्मॉल क्वांटिटी, तो आपको एक एज भी मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में, जब कोई और न्यू स्टॉक या फिर कोई ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर में कोई और मेरे पोजीशंस में लेता हूँ या फिर एग्जिट करता हूँ, तो फिर मैं आपको शेयर करूँगा उसके बाद एनालिसिस। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।